हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। क्लास 10 की हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, 5.3। 5.3 में हम क्या पढ़ेंगे कि किन्हीं भी, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एपी की कोई भी टर्म निकालना, जैसे हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है या सेवन्थ टर्म निकालनी है, वो हम कैसे निकालते हैं। बट अब हम क्या पढ़ेंगे कि किन्हीं भी 10 टर्म का, आपको ये बोल दिया कोई भी 10 टर्म्स हैं एपी की जिनका सम निकालना है हमें। अब हम सम के लिए पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द एपीज, हमें सम निकालना है एपीज का। फर्स्ट में क्या दे रखा है, 2, 7, 12 अप टू 2, 10, 10 टर्म्स ये एपी दे रखे, और कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें, 10 टर्म्स का। ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 कर देंगे क्या आ जाएगा 5, एन एन हमारे पास कितना दे रखा है 10, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है। एस एन इज इक्वल टू, सम का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी, ये हमारे पास है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एन की वैल्यू क्या दे रखी है 10, तो क्या लिखेंगे 10/2 इंटू 2a की वैल्यू 2 है प्लस 10-1 और डी की वैल्यू 5। अब 2 से कैंसिल कर देंगे 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, 5 बाहर आ जाएगा, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 क्या आ जाएगा 49, 5 और 49 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 245। नेक्स्ट है हमारे पास -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स, हमें 12 टर्म्स का सम निकालना है। ए इज इक्वल टू -37, डी इज इक्वल टू -33, तो उसमें से सेकेंड टर्म में से माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस कर देंगे -37, -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अब 37 में से 33 को माइनस कर दिया, कितना आया 4 आया, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 टर्म्स है, तो 12 आ जाएगी। एस एन इज इक्वल टू, वैल्यू अप्लाई कर देंगे n/2, n की वैल्यू क्या है 12/2 इंटू 2a की वैल्यू हमारे पास -37 प्लस n की वैल्यू 12-1 और d की वैल्यू 4, 2 से कैंसिल कर दिया 6। अब 12 की और 37 की मल्टीप्लाई -74 प्लस 12 में से बन जाएगा 11, 11 4 जाए 44, -74 है प्लस 44 है माइनस कर देंगे -30 आ जाएगा, 6 की और -30 की मल्टीप्लाई -180। नेक्स्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है 0.6, डी हमारे पास है सेकंड माइनस फर्स्ट, 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। एन हमारे पास कितना है 100 टर्म्स है। एस एन, एन इज इक्वल टू n/2 100/2 इंटू 2a की वैल्यू 0.6 प्लस एन 100-1 है और डी हमारे पास 1.1। अब इससे कैंसिल कर देंगे 50 आ जाएगा, 2 की और 0.6 की मल्टीप्लाई 1.2 आ जाएगा प्लस 10 में से बन जाएगा 99, 99 की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 की। अब क्या आ जाएगा 50 बार रहेगा 1.2 एज इट इज़ प्लस 99 की और 1.1 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 108.9। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 110.1, 110.1 और 50 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 550.5। इसके पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगी जो कि हमारी कैंसिल हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ए इज इक्वल टू 1/15, डी इज इक्वल टू 1/12 -1/15, 12 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 12 5 जा 65 -5 15 4 जा -4 कर देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1/60। एन इज इक्वल टू 11, एस एन 11/2 इंटू 2a की वैल्यू 1/15 प्लस 11-1 डी की वैल्यू 1/60, 11/2 अब 2 1 जा 2/15 प्लस 11 में से बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 2/15 प्लस 1/6, अब 11/2 एज इट इज़, इनको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 2 जा 32 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 35 1 जा 5, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9/30, अब कैंसिल करते हैं 3 3 जा 9 3 10 जा 30, 11 और 3 की 30, 3 और 10 जा 20, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ 11 टर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम, हमें सम निकालना है इन टर्म्स का। अब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स है, हमें ये दे रखा है कि लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 84। अब इसको हम निकालने के लिए कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी टर्म्स हैं,
कैसे ही देखो, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, एल इज इक्वल टू कितना आएगा 84 लास्ट टर्म है, डी हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें से सेकंड माइनस कर देंगे 10 टू जहाँ 22 20 माइनस है सॉरी प्लस 1 21 बाई 2 माइनस 7, एलसीएम ले लेंगे 2 21 माइनस 7 टू जब 14 माइनस कर देंगे 7 बाई 2। अब an का हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि पहले हमें ये पता लगाना है कि 84 किस नंबर की टर्म है, तभी तो हम निकालेंगे कितनी टर्म्स का सम है। तो 84 निकालेंगे, 84 इज इक्वल टू ए 7 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 7 बाई 2, प्लस 7 को इधर लेके आए माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा 84 माइनस 7 77, इधर 7 बाई 2 को इधर लेके आए 2 बाई 7, 7 से कैंसिल कर दिया 11 टू जहाँ 22, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22, एन इज इक्वल टू 22 प्लस 1 23 आ जाएगा। देन एस एन सम ऑफ एन टर्म्स है, अब लास्ट टर्म दे रखी है तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला था कि एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एन हमारे पास 23 बाई 2, ए की वैल्यू 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी 84, 23 बाई 2 और 84 प्लस 7 कितना है 91, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2093 बाई 2। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1046 फ्रैक्शन 1 बाई 2। नेक्स्ट है सेकेंड, 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू प्लस 10 तक, ए इज इक्वल टू 34 है, डी इज इक्वल टू 32 माइनस 34 क्या आ जाएगा माइनस 2, एल हमारे पास क्या लास्ट टर्म 10 है हमारे पास। अब पहले ये निकालेंगे 10 किस नंबर की टर्म है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हमारे पास 10 है इज इक्वल टू ए एन, ए हमारे पास 34 है प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास माइनस 2, 10 माइनस प्लस है इधर आ जाएगा माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 2 एन माइनस 1, इसमें से माइनस कर देंगे माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 24 इधर 2 आएगा डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, इससे कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू 12 और माइनस 1 को इधर लेके आए प्लस हो गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हम 13 टर्म्स का सम निकाल देंगे, ऐसे 13 निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस 13, 13 बाई 2, ए हमारे पास 34 है प्लस एल हमारे पास से 10, 13 बाई 2 इंटू 34 प्लस 10 44, 2 से कैंसिल कर दिया 22, 22 और 13 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 286। नेक्स्ट है माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस अप टू माइनस 230। अब ए हमारे पास माइनस 5 है, डी इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस कर देंगे माइनस का 5, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 क्या आ जाएगा माइनस 3, और ए एन लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस 230, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस 230 इज इक्वल टू ए हमारे पास माइनस 5 प्लस एन हमारे पास पता नहीं, एन माइनस 1 और डी माइनस 3, माइनस 230 माइनस 5 को इधर लेके आए प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 बार लिख लिया एन माइनस 1। अब इसमें से माइनस करेंगे माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 225 इधर डिवाइड में आएगा बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 3 से कैंसिल कर देंगे 75, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 75 प्लस 1 76। अब हम 76 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, 76 बाई 2 इंटू ए हमारे पास क्या माइनस 5 माइनस एल हमारे पास क्या माइनस 230 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 76 बाई 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस 235, इसको कैंसिल करेंगे 38 और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस 8930। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है इन एन एपी, एक एपी के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 5 है, डी इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 15, फाइंड क्या करेंगे एन एंड एस एन। अब ए दे रखा, डी दे रखा, ए एन दे रखा, ए एन से हम क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेंगे, ए एन का क्या फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हमारे पास कितना है 50 इज इक्वल टू ए 5 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3, 5 को इधर लेके आएंगे 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 45 बाई इधर बाई में आ जाएगा ये 3, 3 से कैंसिल कर देंगे क्या आया
15, तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस 1 को इधर लेके आए, 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 16, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, एन हमारे पास 16 बाई 2 इंटू 5 प्लस एल हमारे पास 50 है, तो क्या आ जाएगा 2 से कैंसिल कर दिया 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 55 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 440। सेकेंड ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड करना है डी एंड एस 13, एस 13 और डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए 13 कितना दे रखा है 35, ए 13 का क्या है ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं, अब ए 13 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 7 प्लस 12 डी, और ए 13 कितना है 35, 7 को इधर लेके आएंगे माइनस 7 कर देंगे इज इक्वल टू 12 डी, 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 12 डी, डी को इधर रख लिया 12 को इसके डिवाइड में लेके आएंगे 28 बाई 12 कैंसिल कर दिया क्या आ जाएगा 7 बाई 3, 4 से कैंसिल कर दिया हमने, अब 7 बाई 3 हमारे पास क्या आ गया ये D आ गया, और हमें क्या निकालना था S13, S13 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 13 बाई 2 इंटू A हमारे पास क्या है 7 प्लस A13, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 35 है, 13 बाई 2 और 7, 35 प्लस 7 कितना आ जाएगा 42, 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे 21, 21 और 13 के मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 273। थर्ड है हमारे पास A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3, दो चीज़ गिवन है, जैसे हमारे पास इसमें था A गिवन था, इसमें D गिवन है, फाइंड करना है A एंड S 12, A12 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, A 12 को हमने क्या लिख लिया a प्लस 11d, a 12 कितना दे रखा है 37 इज इक्वल टू a में फाइंड करना है प्लस 11d की वैल्यू 3, 11 3 जा 33, 33 को इधर लेके आए 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, इसमें से माइनस कर देंगे क्या आएगा 4, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, अब sn निकालना है, s 12 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 12 बाई 2 इंटू a हमारे पास 4 है प्लस l हमारे पास 37 है लास्ट टर्म, तो इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर देंगे 6, 4 प्लस 37 आ जाएगा 41, मल्टीप्लाई कर दिया 246। नेक्स्ट है फोर्थ, A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find A and A9. A3 हमें दे रखा है, A3 का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा A plus 2D is equal to हमारे पास है 15, Sn, S10 हमें दे रखा है कि n by 2, 2A plus n minus 1 into D फॉर्मूला लगा देंगे, S10 is equal to 125 is equal to n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, 10 by 2 into 2A plus 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9d, अब इसको लिख देंगे 125 इज इक्वल टू कैंसिल कर दिया 5, अंदर क्या रहेगा 2a प्लस 9d, और इधर क्या आ जाएगा 5 को इधर लेके आए डिवाइड में कैंसिल कर देंगे 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d और इधर क्या बचेगा 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, क्योंकि यहाँ a है यहाँ 2a है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 2 जहाँ 4d इज इक्वल टू 2 की और 15 की 30 आ जाएगा, और सेकंड हमारे पास क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, अब दोनों के सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या करते हैं कि सभी के साइन चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस का माइनस हो गया, प्लस माइनस इस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा माइनस के 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 माइनस कर दिया 5 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल क्या आएगा माइनस 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है, तो इसको करेंगे a प्लस 2 और d की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15, माइनस को इधर लेके आए प्लस 2 हो जाएगा 15 प्लस 2 17, a की वैल्यू 17 आ गई, अब हमें क्या निकालना है और a 10, a 10 के लिए हम क्या निकाल देंगे a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1, 17 9 1 जा माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा 8। नेक्स्ट है फिफ्थ, गिवन d इज इक्वल टू 5, s 9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a 9, अब फाइंड करना है a और a 9, तो क्या दे रखा है d दे रखा है और s 9 दे रखा है, तो s 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 बाई 2, 2 a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी,
अब एस नाइन कितना है 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 और d की वैल्यू 5 है 8 5 जब 40 आ जाएगा तो इधर 75 इधर 2/9 को इधर लेके आए 2/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 40 9 से कैंसिल कर देंगे इसको हम 3 3 जा 9 और 3 से कर दिया 25 25 2 जा 50/3 अब प्लस 40 को इधर लेके आए माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a एलसीएम ले लेंगे 350 माइनस 3 की और 40 की मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 2a माइनस कर देंगे माइनस 70/3 अब 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा 2 से कैंसिल कर देंगे 40 35 तो क्या आ जाएगा माइनस 35/3 a की वैल्यू आ गई a 9 निकालना है हमें ए नाइन को क्या लिख देंगे ए प्लस 8d ए हमारे पास माइनस 35/3 प्लस 8d की वैल्यू 5 माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40 और एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 35 प्लस 12 14 की और 3 की 40 और 3 की 120 हो जाएगी इसमें से माइनस करेंगे 85/3 ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए नाइन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी पार्ट 6 गिवन दैट ए इज इक्वल टू 2 d इज इक्वल टू 8 एंड sn इज इक्वल टू 90 फाइंड करेंगे कैसे sn इज इक्वल टू sn हमारे पास क्या है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d sn हमें कितना दे रखा है 90 n हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हैं अब 90 इज इक्वल टू n बाई 2 2 a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 90 दे रखा है 90 इज इक्वल टू एन बाई 2 अंदर से 2 को हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा 2 प्लस 4 एन माइनस 4 आ जाएगा अब 2 से 2 कैंसिल हो गया 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n n की और 4n की 4n स्क्वायर और माइनस 4n अब 4n स्क्वायर और इसमें से माइनस कर देंगे माइनस 2n और 90 को इधर लेके आए माइनस 90 इज इक्वल टू 0 4n स्क्वायर माइनस 2n इसको हमने ब्रेक कर दिया देखो 9 की और 44 की और 90 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 360 किन्हीं भी दो नंबर के मल्टीप्लाई 360 आना चाहिए प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए तो हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे 20 और 18 की मल्टीप्लाई 360 हो जाएगा 20 में से 18 को माइनस करेंगे माइनस 2 आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 4n n बचेगा माइनस 45 जा माइनस 5 आ जाएगा प्लस 18 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या आएगा n माइनस 5 अब दोनों में कॉमन क्या है n माइनस 5 और क्या आ जाएगा 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0 पहले फर्स्ट को रखेंगे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या आई 5 इधर से निकालेंगे 4n प्लस 18 इज इक्वल टू 0 n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18 बाई 4 माइनस 9 बाई 2 लेकिन कभी भी हमारे पास n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती और दूसरा हमारे पास कभी भी इंटीजर में नहीं हो सकती बट n कैन नॉट बी नेगेटिव सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 a 5 क्या आ जाएगा a प्लस 4d a की वैल्यू 2 प्लस 4 और d की वैल्यू 8 2 प्लस 8 4 जाए 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा 34 a 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34 नेक्स्ट है गिवन a इज इक्वल टू 8 a n इज इक्वल टू 62 एंड s n इज इक्वल टू 210 एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा हमें फाइंड क्या करना है d की वैल्यू फाइंड करेंगे और n की वैल्यू फाइंड d एंड n d और n फाइंड करेंगे कैसे देखो एस एन एन बाई टू ए प्लस एल क्योंकि l हमारे पास ए एन दे रखा है तो ए एन हमारे पास क्या लास्ट टर्म है अब एस एन 210 इज इक्वल टू एन बाई टू ए की वैल्यू 8 प्लस एल की वैल्यू 62 हो जाएगी 210 इज इक्वल टू एन बाई टू 62 प्लस 8 70 हो जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे 35 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आ जाएगा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 6 n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 a n इज इक्वल टू ये था a n हमें कितना दे रखा है 62 इज इक्वल टू a 8 है प्लस n हमारे पास क्या आया 6 माइनस 1 इंटू d अब 62 माइनस 8 आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा 5d 62 में से 8 जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d d इज इक्वल टू 54/5 नेक्स्ट है 8th गिवन दैट a n इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू 2 एंड s n इज इक्वल टू -14 फाइंड हमें क्या करना है फाइंड n
एंड ए। ए और एन हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला होता है प्लस एन माइनस 1 इन टू डी। ए हमारे पास 4 है इज इक्वल टू ए एज इट इज प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब इसको 4 इज इक्वल टू ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 एन माइनस 2। इस 2 से सॉरी एज इट इज रहेगा, इस 2 को उधर लेके आएंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमने निकाल ली, इधर क्या आ जाएगी 6, 2n को इधर लेके आई माइनस 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। दूसरा हमें क्या दे रखा है sn, sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, an मीन्स लास्ट टर्म। sn हमारे पास कितना है माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है प्लस ए एन, ए एन हमारे पास क्या है 4, प्लस 4 लिख देंगे, इधर लेके आएंगे माइनस क्या आ जाएगा माइनस 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए प्लस 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 टू जा 28 माइनस 28, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, a की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, n इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2 एन प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 28। एन की और इसकी मल्टीप्लाई 6 एन माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस 4 एन इज इक्वल टू माइनस 28। इसमें से माइनस करेंगे माइनस 2 एन स्क्वायर 6 प्लस 4 10 एन और इधर लेके आएंगे प्लस 28 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा एन स्क्वायर प्लस था माइनस 5 एन हो जाएगा और प्लस का माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को इधर लेके आएंगे 0 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाएंगे कि किन्हीं भी दो नंबर को प्लस माइनस करेंगे 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे 14, 7 और 2 आ जाएंगे हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे n, क्या बचेगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रखा, इधर क्या रखा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो n की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि कभी भी नंबर्स है जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी 7। n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू क्या आया 7। बाय इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और n की वैल्यू क्या पुट कर दी 7। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जा 14, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 8। नेक्स्ट है given that a is equal to 3, n is equal to 8, sn is equal to 192, sn is equal to n by 2। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो sn हमारे पास कितना 192 फॉर्मूला लगा देंगे। sn का 192 is equal to n हमारे पास 8 by 2 into 2, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 into d। इसको कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा 4, 192 इज इक्वल टू 4 और 3 टू जा 6 प्लस 8 में से बन जाएगा 7d। अब इस 4 को इधर लेके आएंगे 192 बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, इधर क्या आ जाएगा 6 प्लस 7d, इसको कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 48। अब 7d इज इक्वल टू 48 प्लस को इधर लेके आए माइनस 6, क्या आ जाएगा 42d इज इक्वल टू 42 बाई 7, 7 6 जा 42d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6। नेक्स्ट है गिवन दैट L इज इक्वल टू 28, लास्ट टर्म हमें दे रखी 28, S हमें दे रखा है 144 एंड देर आर टोटल ऑफ 9 टर्म्स। टोटल 9 टर्म्स हैं तो हमारे पास जो सम है वो कितने टर्म्स का है, 9 टर्म्स का सम है। और ये जो हमारे पास टर्म है ये भी कौन से नंबर की, 9 नंबर की है। देखो कैसे SN इज इक्वल टू A में फाइंड करना है, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। SN हमें कितना दे रखा है 144, 9 टर्म्स का सम है। 144 इज इक्वल टू n की वैल्यू 9 बाई 2, a हमारे पास एज इट इज प्लस l हमारे पास क्या है 28। 144 मल्टीप्लाई इसको इधर लेके आए 2 बाई 9 इज इक्वल टू 9 प्लस सॉरी a प्लस 28। अब इसको कैंसिल कर देंगे 16 टू जा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, 28 को उधर लेके गए माइनस हो जाएगा इसमें से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये थे हमारी क्वेश्चन 1, 2, 3। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।